स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट वन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था कंपाउंड का, हमने एनालिसिस किया था, क्वालिटेटिव किया था, क्वांटिटेटिव किया था, और दो फार्मूलास थे वो हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन था हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला एंड सेकेंड वन था हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या होता है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, कि हम एम्पेरिकल फार्मूला को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो फार्मूला है ऑब्वियसली, तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस के लिए कोई ना कोई स्टेप्स होंगे। तो स्टेप्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। के फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, परसेंटेज हमारे पास क्या है, इसकी फार्मूला क्या है, मास ऑफ एलिमेंट, कि हमारा जो एलिमेंट का मास होता है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा कंपाउंड का मास होता है या सैंपल का मास होता है उससे डिवाइड करके 100 से क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसकी वैल्यू आ जाती है। लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है, परसेंटेज कंपोजिशन हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। हमारा जो कंपाउंड है, जो सैंपल है, उसका मास क्या है, 8.657, और इसकी डिकम्पोजिशन जिन एलिमेंट्स से हुई है उनमें कौन कौन से हैं, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ये अब क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब हम इन एलिमेंट्स के क्या करेंगे, मास को हमारा जो कंपाउंड का मास है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी परसेंटेज कंपोजिशन की वैल्यू आ जाएगी। तो चलें देखते हैं कि कैसे हैं। हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन की क्या है, हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, हमने ले लिया है, क्या कहा था कि मास ऑफ एलिमेंट लिया है, एलिमेंट यहाँ पे क्या है, कार्बन। तो कार्बन का क्या है, यहाँ पे मास है, मास ऑफ कार्बन 5.217, ये हमने ले लिया है। और मास ऑफ कंपाउंड क्या है हमारे पास, ये पूरे कंपाउंड का है 8.657। इसे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे पास आंसर आया, जो वैल्यू आई है, परसेंटेज आई है, परसेंटेज कंपोजिशन आई है हमारे कौन से एलिमेंट की, कार्बन की। कार्बन की क्या आई है, 60.28% हमारी परसेंटेज कंपोजिशन आ गई है हमारे एलिमेंट कार्बन की, जिससे हमारा कंपाउंड उसे कंपोजिशन हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमारे पास था 0.962 ग्राम था, इसको हमने जो कंपाउंड का हमारा मास था 8.657, इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आया 11.11%। नेक्स्ट हमारी क्या है, एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, इसकी हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो हमारा जो एलिमेंट है उसकी क्या है, कितने ग्राम पाया जाता है, 2.478, ये इसका मास है। और हमारे कंपाउंड का मास है, सब के लिए क्या लिया है, सेम लिया है, क्योंकि हमारे कंपाउंड का क्या है, 8.657, ये हमारे कंपाउंड का मास आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 28.62%। तो यहाँ पे हमने, ये हमारा स्टेप वन है। स्टेप वन में क्या करते हैं, हम परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारा क्या फार्मूला है, कि हमारा कंपाउंड होता है, ठीक है, कंपाउंड किससे बना हुआ होता है, कंपोजिशन किससे हुई हुई होती है, एलिमेंट से हुई हुई होती है। तो उन एलिमेंट जो होते हैं वन बाय वन, उनका क्या ले लेते हैं, उनका मास, एलिमेंट का मास डिवाइड कर देते हैं जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है कंपाउंड के मास से, और 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारी जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है, उसको हम क्या करते हैं कि हमारी, हमने क्या फाइंड कर लिया, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप अपने एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने का। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सेकंड स्टेप है फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। मींस हम ग्राम एटम्स मतलब मोल्स फाइंड करते हैं। तो हमारी क्या, हमारे पास फार्मूला क्या है, परसेंटेज मास, जो कि हम स्टेप वन में फाइंड करते हैं, परसेंटेज मास आ गया और डिवाइड कर दिया हमने मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मतलब एक मोल में उस एलिमेंट का क्या मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल थी हमारे पास एक एसिड है, मतलब एक कंपाउंड है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी होता है इसमें। अब ये हमारे पास जो कंपाउंड है, इसकी परसेंटेज निकाल ली गई है, ठीक है, सेम एज इट इज़, ये जिस इस फार्मूले में, इस स्टेप में हमने परफॉर्म किया था, परसेंटेज निकाली थी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, सेम एज इट इज़ इसमें भी निकाली गई हैं। कार्बन की क्या है, 4.58,
कार्बन की है, सॉरी कार्बन की है 40.92, यह कार्बन की, हाइड्रोजन की है 4.58 एंड ऑक्सीजन की है हमारे पास 54.5%। ये क्या है, एलिमेंट्स की परसेंटेज निकाली गई है, परसेंटेज कंपोजिशन निकाली गई है, सेम जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निकाली है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल डिफरेंट है, इसमें हम स्टेप टू परफॉर्म करेंगे, मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालेंगे, मींस मैस मोल्स निकालेंगे। तो हमारे पास क्या फार्मूला है कि हम जो परसेंटेज मैस फाइंड करते हैं स्टेप वन में, उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ एलिमेंट, हमारे जो एलिमेंट का मोलर मास है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या है, अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन के थे, हाइड्रोजन का क्या था, हाइड्रोजन का मैस था हमारे पास, परसेंटेज मैस निकला था हमारे पास 4.58, ये गिवन है एग्जांपल में 4.58, और इसका मोलर मैस क्या है 1.008, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 4.54 ग्राम एटम और मोल। फिर हमने हाइड्रोजन का निकाला सेम एज इट इज़, ऑक्सीजन का निकाला, ऑक्सीजन का क्या है हमारे पास 54.5%, और इसका मोलर मैस क्या होता है 16 होता है, इसको डिवाइड करके हमने आंसर निकाला 3.406 ग्राम एटम्स। ये हमारा आंसर आ गया, मींस हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ जो हमारा एलिमेंट है ऑक्सीजन उसका निकाल लिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है कार्बन, कार्बन का क्या है, कार्बन का है हमारे पास 40.92, और फिर हमने डिवाइड कर लिया इसके मोलर मास से, कार्बन का मोलर मास क्या होता है 12 होता है, ये डिवाइड करके हमने आंसर निकाल लिया 3.51 ग्राम एटम्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या था हमारा स्टेप टू, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो एलिमेंट होता है उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मींस उसमें कितने मोल्स हैं वो फाइंड करते हैं। तो ये हमारा स्टेप टू परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, डिटरमाइन करते हैं अपने एटॉमिक रेशियो को, वो कैसे करते हैं, डिवाइडिंग बाय स्मॉलेस्ट ग्राम एटम्स, वो वाले, अब हमने ये निकाल लिए हैं ग्राम एटम्स निकाल लिए हैं, सारे मोल्स आ गए हमारे पास, तो हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना है। तो कौन सी है, 4.54 है हमारे पास, 3.406 है, 3.41 है, तो हमारे पास कौन सी स्मॉलेस्ट है 3.406, इन सब में से ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास इसे क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो इसे हम क्या कर देंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये है हमारा स्टेप थ्री, जिसमें हम क्या करेंगे, 3.41 उससे डिवाइड कर दिया हमने 3.406 से, फिर हमारे पास था 4.54 उससे डिवाइड कर दिया 3.406, एंड हमारे पास था 3.406 उसको भी डिवाइड कर दिया उसी वैल्यू से, क्योंकि वो वैल्यू क्या थी, हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू थी। तो इसको डिवाइड किया तो हमने क्या आया, हमारा आंसर 1 आया, इसको डिवाइड करने से 1.33 आया, और इसको डिवाइड करने से हमारा क्या आंसर आया, 1। तो ये हमने किया कि एटॉमिक रेशियो हमें यहाँ पे स्टेप 3 में हमने क्या कर ली, डिटरमाइन कर ली। स्टेप 4 है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एटॉमिक रेशियो टू होल नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि इसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू फ्रैक्शनल वैल्यू, वैल्यू ले लेते हैं, n ले लेते हैं, और n क्या होगा जो कि फ्रैक्शन को क्या करेगा, होल नंबर में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हमें सूटेबल नंबर लेना चाहिए जो कि क्या करेगा, बाकी हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू को होल नंबर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो यह आया था हमारे पास, ये वैल्यू आई थी 1:1.33:1। तो ये क्या है, फ्रैक्शनल है, 1.33 फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है, तो इसको हमने क्या करना है, होल नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टेबल नंबर है 3, इससे हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 × 1 क्या आ गया, 3 × 1.33 आंसर आता है 3.99, जो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 4 के इक्वल होता है, और 1 आ गया। इसको डिवाइड करने से अब हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे होल नंबर में कन्वर्ट हो गई। अब क्या CHO हमारे पास एलिमेंट्स जो थे इनके एटॉमिक रेशियो क्या आ रही है हमारे पास, 3.43। अब क्या है कि फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, होल नंबर आ गया है हमारे पास। तो अब क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड का हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया है, कार्बन के कितने हैं 3, C3 आ गए, हाइड्रोजन के कितने हैं 4, H4 आ गए, ऑक्सीजन के कितने हैं 3, O3 आ गया। तो ये हमने एस्कॉर्बिक एसिड मींस जो हमारा कंपाउंड था उसका क्या कर लिया हमने, एम्पेरिकल
फार्मूला फाइंड कर लिया। तो ये थे हमने कि एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स थे, प्रोसेस है तो ऑब्वियसली क्या होंगे, स्टेप्स होंगे, तो वो हमने वन बाय वन देख लिया। पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करते हैं, उसका फार्मूला देख लिया और अप्लाई कर लिया। फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, हमारे जो कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कितने मोल्स पाए जाते हैं, ये कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पाए जाते हैं, उसको फार्मूला से हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। थर्ड स्टेप पे क्या किया, एटॉमिक रेशियो को डिटरमाइन किया। एटॉमिक रेशियो कैसे करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं जो कि हमारे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकलते हैं, इसमें से फिर हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। हमें जब स्मॉलेस्ट वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि उसके साथ सारे ग्राम एटम्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम देखते हैं कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू या होल नंबर मिल जाता है तो हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है फिर हम क्या करते हैं, अपने एटॉमिक रेशियो को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, कोई एन लेते हैं, मतलब कोई स्टेबल नंबर लेते हैं जो कि हमारे क्या करेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू को होल नंबर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। वो हमने देख लिया कि एग्जाम्पल में कैसे है। एंड फाइनल हम ले लेते हैं अपना, फाइंड कर लेते हैं अपने कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। तो बहुत ही सिंपल था एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे डिटरमाइन करते हैं, सिंपल से स्टेप्स हैं। पहले परसेंटेज फाइंड करनी है कंपोजिशन की, फिर मोल्स फाइंड करने हैं, फिर हमारे पास एटॉमिक वैल्यू एटॉमिक रेशियो आ जाती है। एटॉमिक रेशियो अगर हमारी होल नंबर आ जाता है फिर हम वो स्टेप पे नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है, फ्रैक्शनल वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, देन हम फोर्थ स्टेप परफॉर्म करते हैं। मीन्स कोई ना कोई स्टेबल नंबर लेते हैं, उसके साथ अपनी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम क्या फाइंड कर लेते हैं, अपना एक होल नंबर। तो ये था हमारा कि हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो आज के लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया। सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। बी अमान अल्लाह।